हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ चरचरी मिक्स वेजिटेबल। आप लोगों ने कभी ट्राई किया है? हम लोग ऐसे बनाते हैं, पत्ते गोभी का जो ऊपरी भाग होता है, नरम नरम पार्ट, उसको ले लेंगे आप। जितना गोभी के पास में जो चिपका हुआ जितना डंठल होगा, आप उसको नरम नरम देख के ले लीजिएगा। उसके बाद आप हरे पालक या रेड पालक का डंठल होगा उसको भी ले सकते हैं रख के। मोटा मोटा जो वेस्ट होता है आप लोग फेंक देते हो, आप उसको भी ले सकते हैं। उसका सब डंठल को नरम नरम पार्ट तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद उसको ऊपरी हिस्सा ही लेंगे, सबसे नीचे वाला हिस्सा नहीं लेंगे। फिर उसको स्लाइस बारीक काटेंगे, कुछ इस तरह से, इस तरह से काट लेंगे आप स्लाइस में। स्लाइस काटने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। ध्यान रहे आप नरम नरम ही डंठल लीजिएगा, ज़्यादा नीचे का नहीं लीजिएगा। दोनों को हम काट लिए। काटने के बाद इसको थोड़ा सा बॉईल होने के लिए रखेंगे। धोने के बाद इसको थोड़ा सा बॉईल कर देंगे, हल्का गर्म कढ़ाई में पानी चढ़ाने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। बॉईल होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट बॉईल होने के लिए रखिएगा। बॉईल होने के बाद अब इसको एक बैगन ले लेंगे, आपके डंठल के हिसाब से कितना। यहाँ मेरा थोड़ा सा है इसलिए मैं एक बैगन ले ले रही हूँ। बैगन को लंबा लंबा ही काट लेंगे, जैसे डंठल लंबा लंबा कटा है वैसे बैगन को भी लंबा लंबा ही काटिएगा। उसके बाद आलू, एक आलू ले लीजिएगा, उसको भी लंबा लंबा ही कट करिएगा। ध्यान रहे सेम सब्जी लंबा ही लंबा कट करिएगा। आलू बैंगन को मैं लंबा लंबा ही कट किया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोड़ा ले ले रही हूँ, कोड़ा को पंपकिन बोलते हैं, उसको भी ले ली हूँ, उसको भी लंबा लंबा ही कट करेंगे। हरा कोड़ा भी रहे तो चलेगा, कोई बात नहीं। फिर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए उसमें थोड़ा सा पचफोरन डाले हैं, लाल मिर्च डाले हैं। उसको भूनने के बाद आप बैगन आलू कोड़ा सब डाल देंगे। डाल में थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक भी डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। हल्दी नमक डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद एक प्याज कट कर लेंगे। एक प्याज एक टमाटर ले लेंगे आप, दोनों को भी स्लाइस काट लीजिएगा। ये सब्जी खोल के देखिएगा, आपका पक गया हो तो इसके बाद आप, ज़्यादा नहीं पकना, हद पक हो जाएगा इसके बाद इसमें प्याज डाल दीजिएगा। एक प्याज जो कटा है, प्याज काटने के बाद इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड कर दीजिएगा, जैसे मिर्चा पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, यहाँ पर धनिया पाउडर हो गया, मिर्चा पाउडर हो गया, आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाल दीजिएगा। इसके बाद पालक का डंठल डाल दीजिएगा। यहाँ मैं रेड पालक का डंठल यूज कर रही हूँ, आप हरे पालक का भी डंठल ले सकते हैं, जो नरम पार्ट होता है ना वो वाला। इसको डालने के बाद भून के अच्छे से ढक दीजिएगा। फिर इसके बाद जो हम लोग उबाले थे ना गोभी का डंठल, उसको ले लीजिएगा। ये मैंने फुल गोभी का डंठल लिया है। डालने के बाद अच्छे से भून लीजिएगा। 5 मिनट भूनने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। थोड़ा पानी हल्का लटपटा रहे तब तक इसको अच्छे से भूनते रहेगा। याद रहे पानी थोड़ा ही डाल के इसको करिएगा, असब सारा पानी यूज कर लीजिएगा। ये देखिए सब्जी रेडी हो गया। आप कभी घर पे ट्राई लीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। आप चाहे तो इसमें मछली भी ऐड कर सकते हैं, मछली का जो सिर होता है ना, सिर उसको ऐड करके बना सकते हैं। बाय बाय।